बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, राना शेफ इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल से आपका मेज़बान राना अफजल आपसे मुखातब है। नाजरीन, वीडियो देखने और चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। डिलीशियस चीज पोटैटो ब्रेड बेक्ड इन फ्राइंग पैन, नो ओवन, नो ईस्ट, नो एग्स। अब हम अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। ये एक स्मॉल बोल मैंने दूध लिया, ये इसमें साल्ट डाल दिया और उसमें मैंने मैदा डाला था एक बोल छोटा। अब मैंने गूंद कर ये इस बोल के अंदर रख दिया टाइम की बचत के लिए। एक घंटे के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रखना है, ठीक हो गया। और एक घंटे बाद ये देखें प्यारा बन गया, बिल्कुल सही परफेक्ट। आलू मैंने बॉयल लिया हुआ। अब स्मैश आलू के ऊपर ये 2 टेबलस्पून मायोनीज डाल दी है और इसको फिर मिक्स कर देना अच्छी तरह से, हो गया है। और इधर से हमने अपनी ब्रेड को भी जो है बना लिया है, देखें बेलने के साथ। और अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं चीज़। चीज़ लगाने के बाद ऊपर मैंने क्या रख दिया, पोटैटो। पोटैटो के ऊपर फिर मैंने क्या रख रहा हूँ, चीज़। ये मैंने इधर से टाइम की थोड़ी बचत कर दी है कि वीडियो लेंथी ना हो। अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं इस तरह। इसको फोल्ड करके ये इसको साथ ऐसे ना मिला देंगे हाथ से, ऐसे इसकी तह बराबर कर देंगे जैसे एक ब्रेड बनाते हैं चपाती की तरह। अब मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने ये देखे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया हाफ, और ब्रेड को उसमें डाल दिया बिल्कुल लो फ्लेम, हल्की आंच पे पकाना आपने लो फ्लेम पे। और साइडों पे मैंने हल्का हल्का ऑयल भी लगा दिया, एक तो ये इसको जो है चिपकेगा नहीं है, तो दूसरा ये बिल्कुल सही परफेक्ट बन जाएगा। ये देखा उसकी साइड मैंने एंगल चेंज किया तो वो कलर एक साइड पे बता रहा है, जिस जगह पे ऑयल लगा हो तो ऑयल इसको पका देता है। अब मैंने उसको प्लेट रखी और इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर लिया, इस तरह फिर ये टूटता नहीं है। प्लेट इस एंगल से रखनी है, दोबारा ऑयल हल्का सा लगाया उसमें, फिर मैंने ऑयल लगाने के बाद डाल दिया है। आपने ऐसा ही करना, हल्का सा ऑयल लगाना है पैन में, फिर उसमें आपने डाल देना है, ठीक है। और इसी तरह ये देखे बिल्कुल पक के कितना खूबसूरत कलर भी ब्राउन ब्राउन सा आ गया है, है ना, माउथ वाटरिंग, डिलीशियस, वाओ, ग्रेट, फंटेस्टिक, माउथ वाटरिंग। तो अब मैं इसको निकाल देता हूँ ऐसे, फिर इसके हम कटिंग करते हैं, ये देखें। और इसका साउंड कितना प्यारा है, ये कटिंग साउंड नाइस। इतना प्यारा साउंड आया, खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें ये देखे लम्स बन गए हैं, धागे बन गए इसमें, ये देखे लॉन्ग लिजर्ड बन गए हैं। बहुत मज़े के खाएं, चीज़ है, पोटैटो है, और इसको मज़े से खाएं, एंजॉय करें। तो आपके सामने ये देखे माशाल्लाह ब्रेड भी कितनी मोटी बनी हुई है और है भी डिलीशियस। ना इसमें अंडा डला है और ना इसमें ईस्ट डली है ना, मज़े का। तो आप इसको ट्राई करें, मज़े से खाएं, एंजॉय करें। कर लें, नेक तमन्नाओं के साथ राना अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।